हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं रोज़ की तरह वेट कर रहा हूँ अंकित का, क्योंकि अंकित जाड़िया आज भी थोड़ा लेट हो गया है, बट कोई नहीं। एंड दोस्तों, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे एनिमल्स। बहुत ज़्यादा तगड़ी मूवी है भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी मूवी है। फिलहाल अभी मूड हो रहा है मेरा सुबह सुबह वर्कआउट करने का। एंड दोस्तों, आज तो मैंने शूज़ भी नहीं पहना है, ये देखो, क्योंकि मेरे शूज़ का जो सोल था, सोल के नीचे एक प्लास्टिक का एक मटेरियल रहता है, वो टूट गया है यार एक साइड के शूज़ का, तो उसकी वजह से शूज़ नहीं पहना, क्योंकि फिर मैं उसके ऊपर सोल भी डाल के पहनता था तो वो पैर में चुभता था। इससे अच्छा आज वर्कआउट विदाउट, मतलब चप्पल भी निकाल लूँगा, ऐसे ही डायरेक्ट कर लूँगा वर्कआउट, कोई बात नहीं। तो अभी अंकित आ रहा है, अंकित का वेट कर रहा है और रोहित भी आ रहा है, तो दो लोग तो अपने साथ है ही और रोहित का भाई भी आता है उसके साथ। मी एंड रोहित डिसाइडेड टू टॉक इन इंग्लिश व्हेन वी विल मीट, विल टॉक इन इंग्लिश। व्हाट डू यू से रोहित? या एंड समथिंग एल्स। अंकित भी आ चुका है यहाँ पे रोहित की तरह लेट। वर्कआउट तो अभी चालू ही है, अंकित वीडियो निकाल रहा है, मेरा वीडियो अभी जस्ट लेके हो गया और अभी रोहित वर्कआउट कर रहा है। एंड अभी सिटअप्स करने के बाद और कुछ वर्कआउट करेंगे। गाइस अभी मेडिटेशन हो गया है, तो व्हाट्स मानसिक शांति का अनुभव हो रहा है आपको मेडिटेशन करने के बाद? व्हाट्स को शांति मिल रही है मेडिटेशन करने के बाद, और ये वाला व्हाट्स अभी करेगा मेडिटेशन। आजा व्हाट्स, कैसी शांति मिली? कैसी शांति? अंदरूनी अनुभव कैसा है वो बताओ बेटा, अंदरूनी अनुभव कैसा लगा? आप आ जाओ मेडिटेशन करने के लिए, आ जाओ। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे पूजा चाहिए। तो गाइज, आज का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, निकल क्या चुके हैं, बस पहुंचने ही वाला हूँ। अंकित मुझे छोड़ के गया है। रोज़ की तरह हमारा बादाम वाला दूध रेडी हो चुका है, तो पी लेते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं 12 और मैं अपना सब काम निपटा चुका हूँ, भगवद गीता, खाना पीना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, वीडियो भी एडिट कर लिया, नीचे घूम के भी आ गया, बट मेरा भाई निशांत अभी तक उठा नहीं है। तो दोस्तों अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, इसको मैं उठाऊंगा अभी अपने तरीके से, प्रैंक करता हूँ इस पर, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ, क्या पता भड़क भी सकता है वो, मुझे आइडिया नहीं, बट मैं करता हूँ दोस्तों बिंदास, क्या होगा देखा जाएगा। तो पागल है क्या हूँ काशो, आओ तेरी को उठाड़वा दो, देखते हैं भैया। गालियां दे रहा है मेरे को, उठ के गालियां सुना रहा है मेरे को। गाइस अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो अभी खाना खा लेते हैं फटाफट, मैं आपको बताता हूँ खाने में क्या है, मुझे भी नहीं पता वैसे तो, देखते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है लंच का, और लंच में है भिंडी की सब्जी, मैं पंजाबियों की तरह क्यों बोल रहा हूँ, भिंडी की सब्जी, सेव है और रोटी है और घी मैं लेके बैठता हूँ, ताकि हर एक बाइट के साथ थोड़ा थोड़ा एक दो बूंद घी डाल के खा पाऊँ, क्योंकि भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट है दोस्तों, तो इसके बाद घी मुझे लगता ही है, मज़ा आता है खाने में। और सामने चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये देखते हुए खाना एंजॉय करते हैं। भाई अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं आया हूँ नीचे, देखते हैं हम लोग जहाँ पे रोज बैठते हैं वहाँ पे कोई दोस्त है या नहीं है। चिंतन का फोन आया था, अपना एक दोस्त है चिंतन, वो तो आ ही रहे, तो चले उससे मिलेंगे, उसको थोड़ा आने में लेट होगा बट ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे आके बैठा हुआ था और 45 मिनट्स के अराउंड बैठ के मैंने वीडियो एडिट कंप्लीट कर लिया, और फिर आया मानव। व्हाट्स अप गाइस, तो अभी बस आज के व्लॉग में यही था दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत, वरना बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। नहीं नहीं यार दोस्तों, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो दोस्तों आपको प्यार करेंगे, प्यार बरसाते रहिए। तो चलते हैं, बाय।